अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़ुल्करनैन लेकर। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें बताया गया है कि आप विडमेट से जो भी चीज़ डाउनलोड करें वो सीधा आपके मेमोरी कार्ड में कैसे जाएगी और विडमेट की कुछ ज़रूरी सेटिंग्स क्या हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने विडमेट को ओपन करना है। अगर आपको विडमेट डाउनलोड करने का तरीका भी पता नहीं है तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये विडमेट ओपन हो चुकी है। अब आपने सीधा इधर ऊपर ये जो तीर का निशान है इधर जाना है, यहाँ पर आपने सीधा ऊपर जाना है, इधर आपने क्लिक करनी है। उसके बाद ये जो सेटिंग बनी हुई है आपने इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखें लिखा हुआ है मैक्सिमम, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम डाउनलोड टास्क कि आप एक वक्त में कितनी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आप जितनी चाहें उतनी कर दें, एक करनी है, दो करनी है, छः करनी है, तो आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे है ये लिखा हुआ डाउनलोड म्यूज़िक क्वालिटी, ये मीडियम है, आपने इसको हाई कर देना है ताकि आपको डाउनलोड जो भी चीज़ आप करते हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाए। तो दोस्तों ये हमारा जो मेन टॉपिक है डाउनलोड पाथ सेटिंग कि आपकी वीडियो डाउनलोड होकर कहाँ जाए। तो ये देखें पहले ये मेमोरी कार्ड में जा रही है, तो मेमोरी कार्ड में मेमोरी ये पहले जा रही है फ़ोन मेमोरी में, सॉरी जो पहले गलत बता दिया, फ़ोन मेमोरी में जा रही है। तो उधर अगर आप फिल्म डाउनलोड करते हैं तो आपके पास स्टोरेज कम होती है या अक्सर आपका मोबाइल स्लो हो जाता है। तो दोस्तों ये आपने मेमोरी कार्ड की लोकेशन जो है यहाँ पर क्लिक करने से सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरीके से आपकी तमाम डाउनलोड की हुई वीडियो सीधा मेमोरी कार्ड में जाएगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।